मध्य प्रदेश के दतिया में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाना था। वहीं दतिया में जिला प्रशासन ने कांग्रेस पदाधिकारियों को धरना प्रदर्शन की अनुमति ही नहीं दी, लिहाजा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच जाकर एक वोट एक नोट का अभियान चलाया। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि करीब ढाई दशक पुराने मामले में कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स की तरफ से अचानक नोटिस भेजा जाता है और उसके खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं, यानी कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों की मदद नहीं कर सके और पूरा विपक्ष खत्म हो जाए। इस तरह की तानाशाही से लोग परेशान हैं, इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर दतिया में लोगों को जागरूक किया और उनसे वोट के साथ ही एक रुपये की भी डिमांड की ताकि मतदाताओं की मदद से यह चुनाव लड़कर जीत सकें। गौरतलब की दतिया भिंड संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने जहां संध्या राय को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया को अपना प्रत्याशी बनाया है। क्या कारण है आज कांग्रेस सड़कों पर आई है? जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, संविधान को कुचलना चाहती है। जहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अरबों खरबों रुपए का चंदा वसूल रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के खातों को फ्रीज करके उन्होंने लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कांग्रेस के निर्देशों पर कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन इनके इस लोकतंत्र अलोकतांत्रिक तरीके से खातों को फ्रीज करने का जो विरोध किया है, उसके लिए आज हमारे कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था। लेकिन प्रशासन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में काम कर रहा है और हमें आज आचार संहिता की वजह से हमने जो परमिशन धरना प्रदर्शन की मांगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में कांग्रेस पार्टी को धरना करने की भी परमिशन नहीं दी गई है। तो आज हम सड़कों पर उतरे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के पास अकूत धन है, चंदे के नाम से भ्रष्टाचार से जो उन्होंने धन इकट्ठा किया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के खातों को फ्रीज करके लोकतंत्र को खत्म करने का उन्होंने जो प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर के इसका विरोध करती है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के इस अलोकतांत्रिक तरीके से खातों को फ्रीज करने का विरोध करते हैं। उसी तारतम्य में आज जिला कांग्रेस कमेटी सड़कों पर उतरी है और आज हम दतिया भिंड लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करके विपक्ष को खत्म करने का प्रयास कर रही है, तो एक वोट एक नोट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है और लोगों से अपील कर रही है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है आगे आने वाले चुनाव में। इसी के लिए आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है और अलोकतांत्रिक तरीके से जो काम किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनका विरोध करती है।